आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहीकी में अल्फाज आते हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिर के दिन पर ईमान लाता है उस पर जुम्मा फर्ज है, इल्ला कोई औरत, मुसाफिर, गुलाम या मरीज। कौन किसको छुट्टी है? औरत, मुसाफिर, गुलाम या मरीज। और गुलाम भी मुसलमान, हमें पता चलता है रवायात से कि उस गुलाम को छूट दी गई है जुम्मे से जिसको उसका मालिक पढ़ने से रोकता है। गुनाह अलबत्ता मालिक पर है। फिर कौन सी कंडीशंस में उजर है? अभी आपने देखा औरत, नाबालिग बच्चे, मुसाफिर, हाँ लेकिन अगर मुसाफिर पढ़ लेगा तो उसके लिए बेहतर होगा, मुसाफिर, बीमार, ऐसा बीमार और ऐसा माजूर के वजह में और जामिया मस्जिद तक नहीं जा सकता, या फिर ऐसे बीमार का तीमारदार जिसके लिए और कोई तीमारदारी की आदत करने वाला नहीं। देखा तीमारदारी कितनी बड़ी चीज है, फिर एक बीमार की आदत कितनी बड़ी चीज है कि जुम्मे की फर्जियत से उसको उजर दे दिया गया। ऐसा बीमार का आयादत करने वाला जिसके लिए कोई और आयादत करने वाला ही नहीं है। और यहां वो शख्स जिसको अपनी जान, माल, इज्जत या आबरू के जाने का खतरा हो, कोई छुपा हुआ है भाई, उसको दुश्मनों से खतरा है, निकलेगा जुमा पढ़ने के लिए, उसके दुश्मन उसको मार देंगे, उसको लूट लेंगे, उसको अगवा कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशंस में जहां जान, माल, इज्जत, आबरू का खतरा है, या बहुत शदीद बारिश, आंधी, तूफान, यालाबारी, बर्फबारी वगैरह शदीद है कि मस्जिद तक जाना मुश्किल है, तो ऐसी हालत में इजाजत मौजूद है। यानी कीचड़ फिसलन इतना है, लेकिन ऐसी हालत में भी जिसके पास सवारी है और एयर कंडीशन गाड़ियां हैं उसके लिए छूट नहीं होगी, बाहर के पैदल जाने वाले के लिए छूट हो जाएगी।